श्रोता बंधु नमस्कार, मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभिर अध्यक्ष आपण मानंकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्यरे रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारु आरंभ करि जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारु सेहि परि शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जहार ना चालंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्षरे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिछन्ति इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिछन्ति श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यमरे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। मध्ययुगीय भारत रे निजर साम्राज्य लिप्सा को फलवती करिबा निमित्त सम्राट मानंक मध्यरे जेऊ महादौड़ आरंभ होइथिला सही चरित्र मानंक मध्यरे अग्रगण्य थिबा बाबर निजर युद्ध कौशल प्रदर्शन करी किभली भारत भूईरे एक अद्वितीय जशर अधिकारी होई पारिथिले से संपर्करे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, केऊ ख्रीष्टाब्दरे बाबर भारत विरुद्ध रे प्रथम युद्ध अभियान आरंभ करिथिले? उत्तर 1519 ख्रीष्टाब्द रे। प्रश्न दुई, प्रथम भारत युद्ध अभियान रे बाबर काहाकु दमन करिथिले एवं केऊ दुर्ग अधिकार करिथिले? उत्तर यासुभजाई उपजातिंकु दमन करिथिले एवं बिजापुर दुर्ग को अधिकार करिथिले। प्रश्न तीन, द्वितीय भारत युद्ध अभियान रे बाबर केऊ सफलता प्राप्त करिथिले? उत्तर पेशवार ठारे मिलिटरी बेस प्रतिष्ठा करिथिले। प्रश्न चार, तृतीय भारत युद्ध अभियान रे बाबर केऊ अंचल गुड़ी को दखल करिथिले? उत्तर बेहरा ओ सियालकोट अंचल को। प्रश्न पांच, चतुर्थ भारत युद्ध अभियान रे बाबर केऊ अंचल गुड़ी को दखल करिथिले? उत्तर सिरहिंद लाहौर दीपालपुर ओ जलंधर प्रभृति अंचल। प्रश्न छ, केऊ ख्रीष्टाब्द रे बाबर भारत अभिमुखे निजर पंचम युद्ध अभियान करिथिले एवं एही अभियान रे से केऊ अंचल लाभ करिथिले? उत्तर 1525 ख्रीष्टाब्द रे एवं एही अभियान रे से पंजाब अंचल लाभ करिथिले। प्रश्न सात, पंजाब दखल करिबा परे बाबर केऊ आड़े अग्रसर हेले? उत्तर दिल्ली आड़े अग्रसर हेले। प्रश्न आठ, बाबरंक दिल्ली अभिमुखे अग्रसर हेबा जानी इब्राहिम लोदी केऊ पदक्षेप ग्रहण करिथिले? उत्तर से एक विशाल सैन्यवाहिनी ने पंजाब अभिमुखे यात्रा करिथिले। प्रश्न न, प्रथम पानीपत युद्धर फलाफल कौन थिला? उत्तर भारत रे बाबरंक द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापन होइथिला। प्रश्न दस, प्रथम पानीपत युद्ध रे इब्राहिम लोदी को ग्वालियर रो केऊ राजा समर्थन करिथिले? उत्तर
ରାଜା ବିକ୍ରମ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଆଲିଅରର ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଆଲିଅରର ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କର କେଉଁ ପରିଣତି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତରେ ଆଫଗାନ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବାବର କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବାବରଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରାଜା ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବାବରଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜପୁତ ଓ ଆଫଗାନମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, ବାବରଙ୍କୁ କିଏ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଜାବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଏବଂ ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ରାଣା ସଂଘଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ହସନ ଖାନ ମେୱାଟି ଏବଂ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଲୋଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ମେୱାର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାବର ଏବଂ ରାଣାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବାବର ଏବଂ ରାଣା ସଂଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ରାଣା ସଂଘ ଖିଲାପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।